नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सस्ती बिजली मुहैया कराने की तैयारी में बिहार सरकार। IGIMS पटना में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। बिहार में COVID-19 के मिले 100 से कम मामले। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी राजद। RCP सिंह ने पार्टी छोड़ने को लेकर दिया अपना बयान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सस्ती बिजली मुहैया करवाने की तैयारी में बिहार सरकार। बिहार में बिजली का तकनीकी और वाणिज्यिक के नुकसान कम करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर बिहार में जोर शोर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना के साथ काम हो रहा है, जिसके तहत साल 2022 तक 23.50 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य में 2015-16 में AT&C लॉस 40.76% था, जो साल 2019-20 में घटकर 35.12% हो गया है। इसे मार्च 2022 तक 24% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव और बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि राज्य में AT&C लॉस कम करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव में पटना जिले के 600 से ज्यादा बूथ अति संवेदनशील। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके बाद जानकारों की माने तो अगले महीने से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है और COVID-19 के नियम अगर स्थित रहे तो सितंबर अक्टूबर महीने में चुनाव का आयोजन भी करवाया जा सकता है। वहीं इसी बीच पटना जिले के अति संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना जिले के कुल मिलाकर 673 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया, जिसके तहत अब इन सभी स्थानों पर मिलिट्री फोर्स को तैनात करने की तैयारी हो रही है, ताकि चुनाव का आयोजन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक करवाया जा सके। बिहार में बाढ़ से पशुओं की मौत होने पर मुआवजा देगी सरकार। नेपाल समेत आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के कारण बिहार के कई जिले फिलहाल बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि लोगों को फिर भी किसी तरीके से बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाढ़ की चपेट में आने की वजह से अब तक कई पशुओं की जान चली गई है। हालांकि अब जिन लोगों के पशुओं की जान गई है उन्हें सरकार अनुदान राशि देने की तैयारी कर रही है। इस बाबत बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बाढ़ के कारण पशुओं की जान जाने पर ₹35,000 का अनुदान दिया जाए। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 3 पशुओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक और इससे संबंधित 8 संघों के प्रबंध निदेशक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर मुकेश सहनी ने कॉम्फेड की प्रणाली को और बेहतर बनाने और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए और उनके हितों के उन्नयन को लेकर विस्तार से चर्चा की। DGP ने 8 DSP को किया प्रतिनियुक्त। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 8 DSP को विभिन्न मंडलों में प्रतिनियुक्त करने की तैयारी कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप BMP के DSP फैज अहमद खान को पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है। गोपालगंज के DSP संतोष कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर, रेल पटना के DSP मनोज कुमार को SDPO बाढ़, अपर पुलिस अधीक्षक पटना अजय कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज, स्पेशल ब्रांच के DSP विनोद कुमार रावत को SDPO डेहरी ऑनसोन और STF DSP विनोद कुमार को SDPO आरा सदर गया में, SP मनीष कुमार को SDPO औरंगाबाद और BMP 13 के DSP संतोष कुमार को अरेराज का SDPO बनाया गया है। बिहार के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिन्हा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ RN सिन्हा को विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, डॉक्टर RN सिंह मूल रूप से सहरसा के रहने वाले हैं। उनका घर जिले के गोलमा गांव में है। उनके पिता जिला और सत्र न्यायाधीश स्वर्गीय राधा बल्लभ सिंह थे। डॉक्टर सिंह प्रसिद्ध हड्डी रोग चिकित्सक हैं। अपनी स्कूली शिक्षा कटिहार और पटना में उन्होंने पूरी करने के बाद PMCH में MBBS किया, जिसके बाद करीब 10 सालों तक लंदन में FRCS और अन्य डिग्रियां हासिल की। वो लंदन में रहने के दौरान ही विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। अगले महीने आएगी BPSC की नई वैकेंसी। BPSC अगले महीने 67वें संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकालने जा रही है। इसको लेकर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी के पद की 110 रिक्तियां आयोग को प्राप्त हो चुकी है। इस महीने के अंत तक अन्य विभागों से भी रिक्तियों के आ जाने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद आयोग इसका विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू करेगा और संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद विज्ञापन निकाल दिया जाएगा, जिसके तहत इन दिनों BPSC 28 जुलाई से शुरू होने वाले 66वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है, जो कि 29 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसमें लगभग 8700 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही 21 जुलाई को मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और 31 जुलाई तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
पटना समेत कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के अधिकांश जिलों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा का प्रभाव बढ़ने से बारिश शुरू हो गई है। यह कारण है कि उत्तर बिहार के अधिकतर इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। हालांकि कहीं पर यह अधिक तो कहीं पर रिमझिम होकर बरसी है। राजधानी में रविवार से भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक सक्रियता दिखा रहा है। आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला कुछ कम हुआ था, लेकिन अब स्थिति फिर से बदलने लगी है। बारिश के दौरान गरज और ठंड का भी और इसकी भी आशंका जताई गई है। शनिवार को वज्रपात से रोहतास में दो और बांका में एक लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। वहीं कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी पटना के क्षेत्रीय प्रभारी विवेक सिन्हा ने कहा है कि 22 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में विशेष चक्रवात बन रहा है, जिसके कारण ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे बलाई चंद्र मुखोपाध्याय की। बलाई चंद्र मुखोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन साल 1899 में बिहार के पूर्णिया जिले के मनिहारी में हुआ था। बलाई चंद्र मुखोपाध्याय एक बंगाली उपन्यासकार, लघु कथाकार, नाटककार, कवि और चिकित्सक थे, जिन्होंने वन फूल, जिसका अर्थ बंगाली में जंगली फूल, के कमल नाम से लिखा था। वो पद्म भूषण के नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। वो अपने लघु शब्द चित्रों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जो अक्सर केवल आधे पृष्ठ लंबे होते हैं, लेकिन उनके काम के शरीर में 65 साल का समय होता है और इसमें हजारों 586 लघु कथाएं, जिनमें से कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, 60 उपन्यास, कई नाटक, कई एक्ट और एक आत्मकथा जिसे पाष्टपथ भी कहा जाता है, और कई निबंध भी लिखे गए हैं। जनवरी 2022 तक मुंगेर रेल सह सड़क पुल पर दौड़ेंगे वाहन। मुंगेर रेल सह सड़क पुल 5 साल पहले ही पूरा होने के रास्ते पर अग्रसर है। यह परियोजना भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त पुल से रेल मार्ग की तो शुरुआत कर दी गई है, लेकिन फिलहाल सड़क मार्ग शुरू नहीं हो सका। इसका काम प्रगति पर है, जिसके परिणाम स्वरूप मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय के अलावा दूर दराज से आने वाले यात्री, व्यापारी और आमजनों के लिए सड़क मार्ग मील का पत्थर साबित होने वाला है। पथ निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर के पाठक की माने तो सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी 2022 में सड़क से आवागमन शुरू हो जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो उक्त निर्माणाधीन पद से ना तो स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचेगा और ना ही स्थानीय व्यापारी को। पुल पार करने के लिए पहले उन्हें NH 31 तक 5 किलोमीटर तक जाना होगा। पंचायत चुनाव में 4 पदों के लिए ईवीएम तो 2 अन्य पदों के लिए बैलेट पेपर से होगा वोटिंग। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होने जा रहा है, जिसके तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। इसको लेकर 1.83 लाख ईवीएम की व्यवस्था फिलहाल की जा रही है। बाकी बचे 2 पदों पर बैलेट पेपर से चुनाव का आयोजन होगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर 1.5 लाख बैलेट बॉक्स तैयार किए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इस बार होने वाले चुनाव में सामान्य से अधिक समय लगने की संभावना है। इस लिहाज से जब तक मतदाता कतार में खड़े रहेंगे, तब तक चुनाव कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें, पिछले 6 विभिन्न पदों पर अपने प्रतिनिधि के चुनाव के लिए एक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। यही कारण है कि एक ही मतदाता जब अलग अलग ईवीएम का बटन दबाएंगे तो ज्यादा समय लगना लाजमी है। IGIMS पटना में ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। COVID-19 के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन के उत्पन्न हुई भारी किल्लत के बीच बिहारवासियों को राहत की खबर मिली है, जिसके तहत IGIMS पटना में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन बीते दिन कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। जानकारों की माने तो IGIMS में लगी ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1 मिनट में 233 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की है। उद्घाटन के साथ ही IGIMS के कई वार्ड में इसकी सुविधा उपलब्ध हो गई है। OT और ICU में ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि IGIMS जैसे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ है। COVID-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों का इलाज करने में सहायता मिलेगी। COVID-19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 81 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 724 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 5, भोजपुर में 2, दरभंगा में 14, ईस्ट चंपारण में 1, गोपालगंज में 1, जमुई में 1, कैमूर में 3, कटिहार में 2, खगड़िया में 2, किशनगंज में 4, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 6, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 3, पटना में 16, पूर्णिया में 1, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 1, सारण में 5, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 3, सुपौल में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,40,189 सैंपल की जांच की गई। वहीं 109 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। जयनगर
उधर से नेपाल के कुर्था के बीच स्पीड ट्रायल रही सफल। समस्तीपुर मंडल के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच स्पीड ट्रायल के काम को पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत भारत से नेपाल के बीच ट्रेनों के परिचालन की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 34.50 किलोमीटर लंबे नवआमान परिवर्तित रेलखंड पर रविवार को लोकोमोटिव द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीडी ट्रायल किया गया और इस दौरान इरकॉन और नेपाल रेलवे के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। सफल परीक्षण होने के बाद अब रेल संरक्षा आयुक्त की अनुमति मिलने और भारत और नेपाल के बीच सहमति के बाद आवश्यक तकनीक और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जल्द ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसको लेकर भारतीय रेल संरचना रखरखाव की प्रक्रिया की जानकारी साझा कर बड़ी रेल लाइन यात्री सेवा के संचालन में नेपाल को सहयोग कर रही है। मंत्री ने बिहार को बीज निर्यातक बनाने का किया दावा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा है कि बिहार को बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। रविवार को बामेती में बीज निगम के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उक्त बातें कही। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कुदरा में 4 टन प्रति घंटे की रफ्तार से बीज की प्रोसेसिंग करने वाली यूनिट का लोकार्पण भी किया, साथ ही कई सब्जियों के बीज भी जारी किए हैं। कहा कि बीज निगम के कई काम का अनुसरण देश कर रहा है। इस साल 2 लाख किसानों को होम डिलीवरी कर बीज भेजा गया है। पहली बार बीज बांटने का काम जून में पूरा हुआ है। समय से पहले बीज और सही दाम पर खाद देना बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसानों से मेलजोल बढ़ाया जाए, दफ्तर में जरूरत ना हो तो फील्ड में ही रहकर काम किया जाए। भारत को श्रीलंका के खिलाफ मिली आसान जीत। बीते दिन भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे में भारत को आसान जीत मिली, जिसके तहत बीते दिन खेले गए मैच में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान शिखर धवन ने नाबाद 86 और बिहार से निकले खिलाड़ी ईशान किशन ने 59 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में 263 रन के लक्ष्य को 3 विकेट गंवाकर ही हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें, ईशान किशन का यह पहला डेब्यू वनडे मैच था, जिसमें उन्होंने अपनी बेहतरीन पारी से टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको यह भी बता दें कि टीम इंडिया ने 37वें ओवर में ही मैच अपने नाम दर्ज कर लिया। इसके साथ ही भारत के लिए पृथ्वी शॉ 43 और सूर्य कुमार यादव नाबाद 31 ने भी तूफानी पारी खेली। आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 262 रनों का स्कोर खड़ा किया था। 31 जुलाई को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद जनता दल यूनाइटेड बिहार में संगठन को मजबूत करने में जुट गई है, जिसके तहत बीते दिन जहां एक तरफ जदयू कार्यालय में नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, वहीं दिल्ली में 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जानकारों की माने तो बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपी सहित 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी में एक नेता एक पद की बात कहे जाने के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर फैसला संभव है। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांगा जवाब। शनिवार को पूर्व आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले ने अब तुल पकड़ लिया है, जिसके तहत पहले लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा था, वहीं अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्या छिपा रहे हैं कि उनके अधिकारी सुधीर कुमार की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। जब मेरे खिलाफ जान लेने का मामला दर्ज किया गया था तो मैंने सामने आकर कहा था कि केस की जांच होनी चाहिए, इसी तरह मुख्यमंत्री को भी सामने आना चाहिए और सुधीर कुमार जो मामला उठा रहे उसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अगर नीतीश कुमार सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो सांच को आज किस बात की जांच कराइए। जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है। नीतीश कुमार क्यों डर रहे हैं? तेजस्वी और चिराग पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने साधा निशाना। भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की कार्य समिति की बैठक बीते दिन बुलाई गई थी। इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोजपा सांसद चिराग पासवान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता के दम पर राजनीति की है। चिराग पासवान तब क्षेत्र में घूम रहे हैं जब उनकी पार्टी में टूट आ गई है। इसके बाद अपने चाचा और पार्टी के नेताओं की शिकायत करने में वो व्यस्त थे। चिराग पासवान को यह बताना चाहिए कि उनमें क्या क्वालिटी है कि वो नेता बनते फिरते हैं। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने कहा कि उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे और तेजस्वी यादव खुद बिहार के डिप्टी सीएम रहे, सड़क निर्माण मंत्री रहे, फिर भी अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में तेजस्वी यादव पिता के नाम पर ही जाते हैं। जदयू के बड़े नेता ने थामा चिराग पासवान का हाथ। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार इस बात को लेकर दावा करते आए हैं कि जदयू में टूट देखने को मिलने वाली है। वहीं बीते दिन जदयू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा और उनके समर्थकों ने लोजपा की पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जो कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिलवाई। वहीं इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि जदयू में अंतर्विरोध उभर रहा है, नेताओं में गुस्सा भी है, आंतरिक कलह में जदयू में टूट तय है।
मुख्यमंत्री की कार्यशैली और अफसरशाही से जनता में आक्रोश चरम पर है। वहीं लोजपा का दामन थामने वाले नवर किशोर ने कहा कि जदयू में समर्पित नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ने को लेकर दिया अपना बयान। जदयू के राज्य पदाधिकारी की बैठक जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। मीटिंग में दिल्ली के वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कई दिनों से अपने पद को लेकर जारी अटकलों के बीच बयान देते हुए कहा कि पार्टी के साथ और उनका काफी लंबा समय का संबंध रहा है। अगर पार्टी कहे तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, संगठन है तभी मैं मंत्री हूँ, मैं फिर से संगठन का काम करने के तैयार हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संसद चलेगा तो मैं शनिवार और रविवार को पार्टी का काम करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार और मेरे बीच संबंध खराब नहीं हुए हैं, बल्कि और मजबूत हुए हैं। नीतीश जी ने हमेशा मेरा समर्थन किया है। एक व्यक्ति एक पद का नियम लागू होगा तो पार्टी जिसको कहेगी उसको अध्यक्ष की कुर्सी सौंप दूंगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी राजद। बिहार में बढ़ती महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने आवाज तेज कर दी है। यही कारण है कि बीते दिन बिहार के कई इलाकों में राजद ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है और लोग भूख से मर रहे हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इससे नेता चुपचाप है। वहीं पूर्वी चंपारण के नरकटिया से राजद विधायक डॉक्टर समीम अहमद ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र और राज्य सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में नजर आ रही है। सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ मोड़ के समीप बांका के पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव तारापुर प्रत्याशी दिव्य प्रकाश पहुंचे। बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने हरी झंडी दिखाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं खगड़िया में राजद कार्यकर्ता ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आईएएस सुधीर कुमार प्रकरण को उपेंद्र कुशवाहा ने बताया नौटंकी। शनिवार को आईएएस सुधीर कुमार अचानक से पुलिस थाना पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हालांकि इसके लिए उन्हें थाने में घंटों इंतजार करना पड़ा, जिसको लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं अब जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे नौटंकी का नाम दिया है और अपना बयान जारी करते हुए कहा कि वरीय स्तर के अधिकारियों को इस तरह की नौटंकी से बचना चाहिए। मामला क्या है वो नहीं जानते, लेकिन वरीय अधिकारियों को नौटंकी नहीं करनी चाहिए, उन्हें एक्चुअल काम करने में यकीन करना चाहिए। इसके साथ ही जदयू की बैठक में शामिल होने से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने राजद की तरफ से महंगाई को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन पर भी निशाना साधते हुए इसे रस्म अदायगी बताया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बंगाल के नवाब मीर कासिम को कथवा की लड़ाई में 1763 को ब्रिटिश सेना ने बुरी तरह पराजित किया। पहली बार 1961 को विमान में फिल्म दिखाई गई थी। भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय 1969 में आज के दिन लिया था। अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने 1969 में यान से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी आज के दिन की थी। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियां 1974 में लंदन से नई दिल्ली आई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म 1827 में आज के दिन हुआ था। भारत के भूतपूर्व 39वें मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का जन्म 19 जुलाई 1948 को आज के दिन हुआ था। इस काम से 24 घंटे में डिलीट कर दिया जाएगा आपका अकाउंट। आज के समय में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही दूसरी तरफ लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट भी बना रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में भारत सरकार फेक अकाउंट पर आईटी रूल के अनुसार लगाम लगा रही है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को फेक अकाउंट को सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिलीट करना होगा। अगर कोई शख्स किसी भी सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, नेता, खिलाड़ी इत्यादि की प्रोफाइल बनाकर उसमें उनकी फोटो और वीडियो शेयर कर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके अकाउंट को 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 18 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,190 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,190 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रंजीत मेहता, संतोष कुमार, बबीता यादव, रानी गुप्ता, पवन कुमार सिंह, बिट्टू कुमार, सिंधु कुमारी, दिव्यांशु कुमारी, कौशल जमाल, विकी कुमार, संतोष सुमन, आदर्श अनुज, अशोक कुमार, सतीश चंद्र, सनी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाहर से आए कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन कौन से उपाय सरकार को करने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।